अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल जी लॉग्स। भाई मैं अभी आया हूँ अपनी बेटी के साथ छत पे, तो शाम का मौसम है, हमने कहा छत पे जाएंगे, एंजॉय करेंगे, बातें भी करेंगे, तो मेरे साथ रहिएगा। शुरू करते हैं आज का व्लॉग। आपके हाथ में क्या है? बॉल्स हैं? ये मेरी बेटी एंजॉय करते हुए, और साथ में है हमारे जैद जो कि मेरे भतीजे हैं। जैद से हाय, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये है मेरी भतीजी रामीन, ये भी आई है मेरे साथ छत पे। भाई मौसम कुछ ऐसा है कि अभी धूप निकली हुई है और थोड़ी सर्दी वाली वाइब्स हैं, तो भाई थोड़ी सर्दी वाली वाइब्स आ रही हैं क्योंकि दिन में जो है वो थोड़ी गर्मी हो रही है और शाम जैसी होती है तो ठंड आती है और आपको सर्दी लगने लगती है। तो सर्दियां बहुत अनकरीब, बहुत करीब ही हैं, बहुत जल्द सर्दियां भी आ जाएंगी। और बेटी मेरी इंजॉय कर रही है साथ में। इरहा, तो इस तरह में अच्छा लगता है शाम के वक्त छत से आना। अच्छा, अक्सर ना जब हम सारे भाई मौजूद होते थे और सारे बच्चे अब जमा हो जाते हैं, मेरे भांजे भांजे भतीजा भतीजियाँ जो भी हैं, तो हम लोग यहाँ क्रिकेट हम लोग खेला करते हैं, तो क्रिकेट की वीडियो भी कभी हम सब जमा हो जाएंगे तो वो क्रिकेट भी आपको खेलेंगे, साथ दिखाऊंगा मैं आपको जो क्रिकेट हम खेलते हैं। क्रिकेट का बहुत शौक है, छत पर हम लोग आते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, इन्जॉय भी करते हैं। तो ये भी एक आ गए मेरे भतीजे अरीफ। वालेकुम अस्सलाम। इरहा अलग अपनी मस्ती में। इरहा ये हमारे छत का मैं रूप का मतलब एक व्यू है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह करीब ही सामने ही मस्जिद है हमारे, तो अक्सर हमारे जुम्मे की नमाज़, हमारी ईद की नमाज़ इस मस्जिद में होती है। और साथ में अल्हम्दुलिल्लाह पीछे भी हमारे मस्जिद है, चारों तरफ अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद मस्जिद है। जब अज़ान होती है तो चारों तरफ से अजानें आती हैं और कुछ टाइम के फासले से, मतलब एक 10 मिनट बाद, एक 15 मिनट बाद टाइम जो होता है वो चेंज होता रहता है, और हर 5 या 10 मिनट बाद कहीं ना कहीं से अजान कहीं से हमको मिल रही होती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये एक बहुत अच्छी नेमत है अल्लाह पाक की, हमको चारों तरफ से अजान की आवाज़ सुनने को मिलती है, बहुत खुशी होती है। फजर का टाइम होता है, दोहर, असर, मगरिब, इशा, हर तरफ से अजानें ही अजानें। तो टाइमिंग के लिहाज से जहाँ हमारी नमाज जो मिस हो जाती है, कहीं फ़र्ज हम पढ़ नहीं पाते तो दूसरी मस्जिद में हम पढ़ सकते हैं, तो ये एक बहुत अच्छी अल्लाह पाक ने हमें नेमत अता की है। तो ये हमारे छत का व्यू है, साथ साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। गेम कौन सा गेम? बॉल को थ्रो करके बॉर्डर को गिराना है। भाई बच्चे बोल रहे हैं गेम खेलना चाहिए, तो बॉल से हम थ्रो करेंगे, बॉर्डर को गिराएंगे। हाँ क्यों नहीं, खेलते हैं, आ जाओ गेम खेलते हैं हम लोग अब थोड़ा। तो भाई अब हम शुरू करने जा रहे हैं गेम, तो बच्चों ने कहा चैलेंज करते हैं, गेम खेलते हैं, तो देखते हैं कौन जीतता है गेम में। 4 पार्टिसिपेंट होंगे इसमें, तो गेम क्या है वो आपको बताने लगा हूँ कि 6 बॉटल्स हैं, तो हर एक पार्टिसिपेंट को मिलेगी 6 बारियाँ बॉल्स थ्रो करने की। उन 6 बारियों में जो बॉटल गिराएगा वो हमारे अगले राउंड में जाएगा, जिसने ज़्यादा स्कोर किया। तो जैसे जैसे जो जिसने कम स्कोर किया होगा वो इससे एलिमिनेट हो जाएगा, और जो सारी बॉटलें गिराते जाएगा जिसके पॉइंट जो ज़्यादा होंगे वो आगे बढ़ता जाएगा। तो देखते हैं फाइनल में कौन आता है, फाइनल कौन जीतता है। तो अभी खेलते हैं राउंड का पहला मैच। अब करने जा रहे हैं हम गेम स्टार्ट, पहले हम करेंगे पुगम, देखते हैं कौन पुगम जीतता है। पहली बारी किसकी आती है? तो कोई निकला, कोई भी नहीं। रामी निकल गई है, रामी निकल गई पहली बारी, और अब देखते हैं दूसरी बारी कौन करता है। दूसरी बारी करेंगे जैद, और तीसरी आप करना, चौथी मैं करूँगा। तो भाई गेम स्टार्ट कर रहे हैं, पहली बारी होगी रामीन की, दूसरी होगी जैद की, और तीसरी करेंगे अरीब, और चौथी होगी मेरी बारी। तो देखते हैं कौन जीतता है गेम। भाई गेम स्टार्ट होने जा रहा है,
तो रामीन की पहली बारी है और बॉल जो है हमारे पास 4 ही हैं, तो अरीब जो है 4 बारिश होने के बाद हमें बॉल जो है वो उठा के देंगे। तो रामीन हम गेम स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो स्टार्ट करें। यस, फर्स्ट बारी, एक बॉल, कोई डाउन नहीं, दो बॉलों में कोई डाउन नहीं, 3 बॉलें नो स्कोर, 4 नो स्कोर, 5 बॉलें नो स्कोर, 6 नो स्कोर, तो रामीन का स्कोर है 0। भाई सेकेंड बारी शुरू होने जा रही है जैद की, अब जैद कितना स्कोर करते हैं देखते हैं। तो स्टार्ट करें जैद, 1 पे 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 3 ही है जैद के, 4 बारियां हो चुकी हैं और 3 बॉटल जो हैं वो जैद गिरा चुके हैं, 5 बारियां कर चुके हैं और 3 गिरा चुके हैं, और इन्होंने गिराई हैं 6 बारियों में 4 बोतलें। अब बारी है अरीब की, स्टार्ट होने जा रही है अरीब की, और अरीब गेम स्टार्ट करें। ये पीछे से गिरी है, आगे से नहीं गिरा। तो भाई अरीब की पहली बारी हुई थी, एक बॉल पे कोई स्कोर नहीं है क्योंकि बॉल जो है वो लग के वापसी आ गई थी, तो हमने बॉटल दोबारा खड़ी कर दी है। तो अरीब सेकंड बारी करें, ये भी पीछे से लग के आई है, तो 2 बारी कोई स्कोर नहीं, अरीब स्कोर स्टार्ट करें। ये भी पीछे से गिरी है, तो 3 बॉल हैं कोई स्कोर नहीं, 4 बॉल हैं कोई स्कोर नहीं, अरीब ने कोई बॉटल नहीं गिराई, सब पीछे से लग के वापसी आ रही हैं। तो इन्होंने गिराई है 5 बॉलों पे पहला स्कोर इन्होंने किया है, तो ये भी पीछे से आई है, तो 6 बॉलों पे एक ही स्कोर किया है। तो अभी तक जैद ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, 6 बॉलों पे 4 बॉटल जो हैं वो गिरा चुके हैं। अब है बारी मेरी, स्टार्ट होने जा रही है मेरी बारी, 6 बारियाँ हैं, कितनी बॉटल गिराता हूँ बारी। दो बारी बची है मेरी, लास्ट बारी है। तो भाई मैंने गिराई है 1 बॉटल, अब मेरा और अरीफ का मुकाबला होगा क्योंकि उसने गिराई थी 1 बॉटल। जो जीतेगा उसका मुकाबला होगा जैद से जो ऑलरेडी फाइनल में जा चुके हैं। तो स्टार्ट होने जा रहा है सेकंड राउंड, अरीब स्टार्ट करें। 1 बॉल 1 गिरा चुके हैं, 1 बॉल पे 2 बॉल पे 1 ही है, 3 बॉलें और 2 गिरा चुके हैं, 4 बॉलों पे 3 गिरा चुके हैं, 5 बॉलों पे 4 गिरा चुके हैं। ये इनकी लास्ट बारी है, देखिए कितने गिराते हैं। तो इन्होंने गिराई हैं 4 बॉटल 6 बारियों में, 4 पे 4 में गिरा चुका हूँ, एक और गिराने की तैयारी नहीं है, 4 जीत चुका हूँ। फाइनल होने जा रहा है जैद और मेरे बीच, अब देखते हैं जैद मुझे कितना स्कोर देता है। तो जैद स्टार्ट करें, 1 पर 1, 2 पे 1, 3 पे 2, 4 पे 3, 5 पे 3, अब ये इनकी लास्ट बारी। तो इन्होंने गिराए हैं 6 बॉलों पे 4 और मुझे जीतने के लिए चाहिए होंगे 5 रन, 5 बॉटलें मुझे गिरानी होंगी। फाइनल राउंड स्टार्ट होने जा रहा है, मुझे मिला है 5 का टारगेट, जैद ने गिराई है 4, तो देखते हैं मैं कितने गिराता हूँ। 4 पे 2, 5 पे 3 गिरा चुके।
करता हूँ और ये लास्ट बार ये देखते हैं मैं ड्रॉ करता हूँ या हारता हूँ। तो फाइनली मैं हार चुका हूँ, जैद जो है वो जीत चुके हैं, तो जैद जीत चुका है, मुबारक हो जैद तुम जीत गए। तो जैद जो है वो गेम जीत चुका है, गेम हमने खेल लिया है, अब होने जा रहा है कुछ मगरिब का टाइम, क्योंकि सूरज जो है वो ग्रुप हो चुका है, अब हम भी अब थोड़ा एंजॉय करके जाएंगे, नमाज़ वगैरह पढ़ रहे हैं, मगरिब का भी टाइम होने वाला है, तो अब होने जा रहा है मगरिब का टाइम और अब हम जाएंगे नीचे क्योंकि नमाज का टाइम भी होने वाला है। तो बस हमने एंजॉय किया, गेम खेला, मेरी बेटी ने भी बड़ा एंजॉय किया, इरा पाव दिखा दें। तो बस इसी तरह मेरे चैनल को लाइक करें भाई, सब्सक्राइब करें, तो लाइक मिलते रहेंगे, सब्सक्राइब मिलते रहेंगे तो मैं और वीडियो बनाऊंगा। कमेंट्स लाजमी करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज। हाँ।